इतना खतरनाक बिल लाया है जो मैं उसका नाम क्या किस हैसियत से लूं हमको खुद शर्म लगता है। मैं उसको गुंडा बोलूं, हत्यारा बोलूं, क्या बोलूं, खोदिया बोलूं, टकला बोलूं, क्या बोलूं। जेडीयू के एमएलए लोगों से कहना चाहता हूं कि मिर्जाफर मत बनो, यहाँ के हक के लिए रोड पर जनता उतरा है, तुम भी इन लोगों के साथ दो, वरना तुम लोगों को भी कान पकड़ने के उतारने के लिए समय नहीं लगेगा यहाँ का जनता को। किशनगंज में कांग्रेस विधायक तौसिफ आलम ने नागरिकता संशोधन एक्ट का विरोध करते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अर्थी जुलूस निकाली। इस दौरान आयोजित सभा में बोलते हुए बहादुरगंज विधायक तौसिफ ने प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को गुंडा, हत्यारा और टकला जैसे शब्दों से संबोधित किया। विधायक ने आगे कहा कि इनके कुर्सी को सलाम, लेकिन इनके कारनामे को जूता मारता हूँ। नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में रुईधासा मैदान में संबोधन के दौरान कांग्रेसी विधायक तौसिफ आलम ने कहा कि मुसलमानों को अमित शाह डर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत के मुसलमान अमित शाह से नहीं डरते हैं। हिंदुओं से विधायक ने आग्रह किया कि जलता हिंदुस्तान को बचा लो, वरना पाकिस्तान और बांग्लादेश के तर्ज पर देश फिर बढ़ जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी का सरकार जो प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठा हुआ है, मैं उस कुर्सी को सलाम करता हूँ। अमित शाह जी जो गृह मंत्री में बैठा हुआ है, मैं उस कुर्सी को सलाम करता हूं, लेकिन उस कुर्सी में जो लोग बैठे हुए हैं, जो काम किया है उन दोनों ने, 72 सालों में सबसे खतरनाक बिल लाया है। इतना खतरनाक बिल लाया है जो मैं उसका नाम क्या किस हैसियत से लूं हमको खुद शर्म लगता है। मैं उसको गुंडा बोलूं, हत्यारा बोलूं, क्या बोलूं, खोदिया बोलूं, टकला बोलूं, क्या बोलूं। नरेंद्र मोदी, एक बात जान लो, भारत के मुसलमानों ने जानता है तुम्हारा हाथ गुजरात के मुसलमानों का खून से रंगा हुआ है। अमित शाह, तुम जान लो, भारत के मुसलमानों ने जान गया कि तुम सही माने में टकला हो। हम लोग फिल्म में देखते थे, सेम शकल का एक आदमी गुंडा बनता था, आज ये करके दिखा रहा है। मैं तुम्हारा कुर्सी को सलाम करता हूं, लेकिन तुम्हारा कारनामा को मैं जूता मारता हूं। और ये बात सुन लो, तुम किसको डरा रहे हो? भारत के मुसलमान तुमसे नहीं डर रहा है। मैं उसका इंटरव्यू रात में देख रहा था। अमित शाह, तुम कह रहे हो कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, मुसलमान तुमसे डरता ही नहीं है, तुम गलतफहमी में हो। मैं 30 करोड़ मुसलमानों से आह्वान करना चाहता हूं, अपना हक लेना है, अपना वजूद को बचाना है, अपना अस्तित्व को बचाना है, तो इस कानून के विरोध में रोड पर उतर जाओ और इतना उतरो जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मजबूर हो जाना पड़े इस बिल को वापस लेने के लिए। मैं हिंदू भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं, ये लड़ाई ना हिंदू भाई के विरुद्ध में है, ना ही सिख भाई के विरुद्ध में है, ना ईसाई भाई के विरुद्ध में है। मैं हिंदू भाइयों का सहयोग लेना चाहता हूं, ये भारत सरकार जो काला कानून लाया है उसके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि खंड खंड आजादी के समय में बट चुका है, जब आजादी हुआ था तो पाकिस्तान बंटवारा हो चुका था, जो कट्टरपंथी मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए, बाद में फिर कुछ साजिश करता बांग्लादेश को अलग कर दिए। मैं आज हिंदू भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि भाइयों, हिंदुस्तान जल रहा है, हिंदुस्तान को बचा लो, या नहीं तो फिर कल पाकिस्तान बटा था, फिर बांग्लादेश बटा था, फिर हिंदुस्तान का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा भाइयों। इन असली नाम अभी छुपा हुआ है, पलटू राम का नाम छुटा हुआ है, जिन्होंने
जिन्होंने भाजपा के खिलाफ में वोट ले लिया हम लोगों से, जिन्होंने हम लोगों से भाजपा के विरोध में वोट ले लिया और जाकर के राज्यसभा में क्या किया, राज्यसभा में जाकर के क्या किया, नरेंद्र मोदी का गोद में जाकर के बैठ गया आरएसएस के इशारे पर। एक बात जान लो नीतीश जी, बिहार का जनता तुमको कुर्सी में बैठाया है तो कान पकड़ के उतारना भी जानता है। और मैं उन नीतीश पाटी जेडीयू के एमपी से कहना चाहूंगा, जेडीयू के एमएलए लोगों से कहना चाहता हूं कि मिर्जापुर मत बनो, यहाँ के हक के लिए रोड पर जनता उतरा है, तुम भी इन लोगों के साथ हो, वरना तुम लोगों को भी कान पकड़ने के उतारने के लिए समय नहीं लगेगा यहाँ का जनता को। इस लड़ाई में आज हमारे किशनगंज के जितने भी जेडीयू के मुस्लिम एमएलए हैं चुप हैं। क्यों चुप हो बताओ, तुम किसका आदमी हो, आरएसएस के इशारे पर हो, या अगर हिम्मत है तो तुम, और अगर मुसलमान के हक के लिए सोचते हो तो इस्तीफा दो, हिम्मत है कुर्सी की आग दोगे? मैं ईमान से कहता हूँ, मैं खुदा की कसम खाता हूँ, आज घोषणा कर दे भाजपा सरकार कि तौसीफ आलम तुम इस्तीफा दो, खुदा की कसम मैं एक बात का औलाद नहीं होऊंगा जो मैं अपना इस्तीफा नहीं सौंपूंगा। अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो मैं मीडिया से संपर्क करें।